सो हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक, मैं हूं ईशान और हम हैं फोकट। सो गाइस, आज हम लोग एक एक्साइटिंग व्लॉग के साथ, और आज बहुत ज्यादा काम चल रहा है घर में, पता नहीं क्या हो रहा है। हम लोग आपको कल प्रॉमिस किए थे आप दूल्हे का फेस दिखाएंगे, तो आज आपको हम लोग दूल्हे का फेस रिवील करवाएंगे। जब दूल्हा आएगा तब, जब तक के घर का काम, ये जो उदापी जो काम करिए आपको, थोड़ी रुको रुको थोड़ी देर में दिखाते, पहले दिखाते हाइफा क्या कर रही है। तो गाइस, लाइट ना चले गई है कुछ, क्या पता क्या हो रहा है, लेके आएंगे पता नहीं कैसी पलोदी लग गई लाइट। ये देखो हाइफा को क्या कर रही है, हाइफा क्या पका रही है, आप लोग को पता नहीं होगा, इसको लखनवी नवाबी डिश बोलते है, वो बहुत टेस्टी रहती। सूप दिखा, सूप दिखा, ये सूप। सो गाइस, ये है चिकन सूप, इसको ना वो यानी पुलाव के साथ जो क्या रहता है वो चाइनीज पुलाव के साथ ऐसा मिक्स करके खाते ना। और ये मेरी तो गाइस, ये चाइनीज पुलाव इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लखनवी है, चाइनीज बिल्कुल भी नहीं है। नहीं चाइनीज, वो चाइनीज नहीं, वो चाइनीज है क्योंकि वो लखनवी है, वो लखनवी है, लखनऊ नेपाल के पास है, और नेपाल में ये कब हुआ, पास ही हुआ वो, एक तरीके से मतलब 4 घंटे का रास्ता है। पास मतलब मेरे पास पड़ा है। ओ नो, गैस सिलो तो, और मैं पानी उबाली थी। ये देखो वेरी गुड, गैस सिलो की अभी पास करी। ये तेरा बेटा देख, तू उसको बनाना चाह रही है हार्ट सर्जन, वो काम वाला बन रहा है। पोछा लगा, पोछा लगाओ, पोछा लगाओ, ये लो पोछा लगाओ, पोछा लगाओ, ये देखो गाइस, ये पोछा लगाता है। ये चाइनीज के केस में अंदर आने वाला है, चाइनीज के केस में अंदर है ये, इसकी मां ने सिखाई इसको। हां मत करो बे बिचारे, उसको अंदर छोड़। हां लो हाथ दो, माँ ख्याल ही नहीं रखती है बच्चे का। हाय मामू रखता है ना, इसलिए वीडियो बनाने से फुर्सत ही नहीं। बोल खाना बनाने से फुर्सत नहीं, ऐसा बोल। खाना अबे अभी तो बनाना चालू किए खाना, अरे वो भी मेहमान आए तो फुर्सत ही नहीं। अभी मतलब अभी की बात नहीं कर रहे, मेहमान जब से, बस जब मेहमान आते बस ही तभी तू खाना पका दिया, ऐसे तो पका दिया। लोगों को भी खाना अच्छा मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ऐसा ही है। वरना सुबह अभी सुबह के 11 बज रहे गाइस, अभी तो इन लोग पकाने खड़े ही नहीं होते थे अब तक। जिशान के डैडी आए हुए हैं दूल्हे से मिलने के लिए गाइस, ले। सो गाइस, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी कल से थोड़े दिन तक बिलाल का वीडियो आएगा, आलतू फालतू का वीडियो आएगा 8:30 बजे, और हाइफा व्लॉग्स आएंगे 9 बजे, तो आप लोगों को बहुत मजा आने वाली है। तो आप लोग, उन लोगों का थोड़ा टाइमिंग चेंज हुआ है किसी वजह से, तो आप लोग जाके देख लेना उन लोग के चैनल पे, उन लोग ने बोले हैं और क्या क्या करने वाले उन लोग, वो भी पता चल जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ पे अभी बस मामू इन लोग सब बैठे दूल्हे का इंतजार करते हुए, और उदापी क्या कर रही थी ना वो अभी आप लोगों को दिखाते, क्योंकि उदापी ना सब चीज ना सजा रही थी, वो क्या क्या रखी हुई है अपने बैग में, ये जो दो खजाने रखे हैं यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये अभी उदापी सजाने वाली है। ठीक है उदापी, चला जा, हो जा शुरू। बल्लो सिर्फ दुल्हन से काम कराते हो, कभी खुद भी करते हो क्या, कुछ काम कर दिया। हाँ हर काम पे तो यही बोल रही है कि दुल्हन से काम करवा रही है, दुल्हन से और कुछ कर रही है। पहले जा कबाड़ सही कर, जो तूने कपड़े निकाली थी ना अटक गया, पता नहीं है मेरा। जा गाइस, ये अनफिल्टर्ड वीडियो होने वाला है, मम्मी जो बोले सब डाल दूंगा मैं। मम्मी और कुछ चिल्लाने के लोगो, मम्मी उदापी के लिए दो लाइन बोलो जरा, जल्दी से सही कर मेरे को कबाड़ खोलने का। मम्मी मम्मी उदापी को कुछ बोलो, क्या बोलो, अल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह, पैदा के इतना बड़ा के ये सुनने के लिए। मेरी बेटी सोनी की बेटी कौन बोलता है, नहीं बोलते मम्मी, बहुत कम बोलते हैं। मम्मी ने पैदा करके इतना बड़ा कर दिया तुम लोगों को, बोलो मम्मी बोलो, मेरी बेटी सोनी की बेटी। चल आ जा काम शुरू कर, चल अबे देख मम्मी ने ये चूड़ी लेकर आई। मम्मी आपने ये चूड़ी लेकर आए, सास ने। हाँ। अच्छा उदापी की सास ने दी। हाँ हाँ मम्मी अभी से मस्का लगाया जा रहा, अम्मी बोल दिए देख रहे, दूल्हा भी तो मेरे को बोल रहा अम्मी। क्या क्या क्या, मस्का लगा रहा भी बोल रहा अम्मी। ओहो अम्मी माओ को चेंज कर दिए, बोलो दिखा कैसी है ये कब के लिए है, निकाह के लिए। अच्छा ये निकाह के लिए है, मामलों को सबको दिखा, अच्छी है
मस्त है ना निका में ये ऑफ वाइट के ऊपर ये पहने की मस्त दिखेगा ना रेड कलर रेड गोल्डन मस्त दिख रहा है माशाल्लाह उदापी निकल पड़ी मामू फिर से करो ए फिर से जा निकल पड़ी मैं व्यूअर्स आप लोगों को दिखा नहीं पाया ना मामू ने कैसा किया था बहुत अच्छा लग रहा था दूर से भी अच्छी लग रही थी पास आके और अच्छी लग रही है उदापी जची भी थी वो अच्छी लगने के ऊपर नहीं है पहनने वाले के ऊपर और उदापी पहन के तो बहुत अच्छी लगेगी मेकअप किससे करा रही है वो मेकअप आर्टिस्ट है ना उससे करवा रही हूँ दादा चमक चमक वाला मेकअप मत करवाना नहीं मैं एकदम न्यूड वाला बिल्कुल ये नंगा मेकअप कैसा होता है अरे वैसा नहीं होता है मतलब है कि मेरी शक्ल चेंज नहीं होगी जैसे वो ऐसे ही दिखेगा मेकअप की जरूरत भी नहीं होगा आपकी तो ऐसे ही अच्छी दिखती है दुल्हन को मेकअप कराना ही पड़ता है अच्छा बिगर मेकअप नहीं तो कोई मम्मी अच्छे लगने लगे मम्मी दुल्हन दिखने लगे तो मम्मी का ड्रेस गाइस नहीं दिखाया ना आप लोग दिखाओ मम्मी आप नहीं दिखाओ मम्मी बोले सीधा सरप्राइज शादी में ही मामू को तो दिखाओ जाओ मैं फोटो दिखा देता हूँ छोड़ो रहने दो सजाना चालू कर दिए आप लोग फोकस करिए कपड़े पे तो आप लोगों को सिर्फ ग्रीन कपड़ा दिखेगा ज्यादा से ज्यादा और अभी उदापी ये गाना गाने वाली है सजना तेरे लिए सजना है चूड़ी कंगना लगाना उदापी देखते हुए खड़े हो गए वो तेरे ही कपड़े उदापी किसी और के नहीं है निकाल तू जल्दी जल्दी निकाल के लगाते रहे बस और तो फुर्सत है कपड़े एक साल की फुर्सत हो जाती है वाह ठीक है जल्दी जल्दी निकाल जल्दी जल्दी लगा अक्षत ये दिशान मेहनत कर बे मैं कैमरा पकड़ाऊ तो डायरेक्शन दे रहा हूँ ना मेरी वजह से तो कर पा रहे लोग इंशाल्लाह अभी और निकल रहे हैं तो अभी इतना तो हो गया तो इसके कपड़े से ही भर जाएगा तो वही तो चाहती है वो कि उसको सुकून हो जाए चद्दर नहीं दुपट्टा है वो नमाज का कुछ चद्दर नहीं दे रहे हां कपड़ा दे रहे हां दूसरी कपड़ा है वो ये भी ड्रेस है पन्नी खत्म हो गई थी ना तो रोल करके लगा दी है तो पन्नी कितने लाई हूं मैं तो बोल तो एक बार बेच दे पन्नी में हां बिक जाएगा 1000 का 1000 का 1 और ऐसा नाम लेके बोले उदापी का कपड़ा 1000 रुपए में एक लो उदापी का कपड़ा 1000 रुपए में एक लो अक्षत अच्छे से कर बे मैं कर तो रहा हूँ ए अम्मा क्या मेकअप वेकअप करके आई है कितने साल बाद कल से नहाई नहीं थी तू शाम हो गई अभी तक नहाई नहीं तू सो गाइस ये उदापी के सामान है जो यहाँ पड़े हुए है तो ये सब जो भी ड्रेस व्रेस है ये सब यहाँ पे रखिए और उदापी बाकी के सामान थोड़े बहुत कबाड़ में और यहाँ जगह नहीं है इसके वजह से नहीं रखी प्रॉब्लम गाइस और कुछ नहीं कर सकते दादा और जगह की प्रॉब्लम थी उदापी ने इसलिए वहाँ पे कुछ ड्रेस को ना एक साथ गुजड़ गुजड़ के रख दिए ये सब उसी उदापी का सामान है जो उदापी लेके जा रही है ना उदापी वो पेटी भी तो दे रहे पेटी तो लगा पेटी भी तो लेके आ रही है इसमें और भी सामान है रखने की जगह नहीं है इधर उधर रखेंगे गंदा दिख रहा हो ये इतना ना अच्छा दिख रहा है इसलिए हम लोग ने इतना ही सजाएगा रोज एक कपड़ा भी पहनेगी तो 50-100 दो महीना एक नया कपड़ा पहन सकती है मम्मी बोले ये कपड़े को तू एक साल चला सकती है आराम से चला दापी अगर तू मोटी हो गई तो तेरे पास क्या मतलब कपड़े जो सिल के लेके गए उसका क्या होगा मैंने सिर्फ ना 15 ड्रेसेस सिले बाकी सब है ना अनस्टिच मतलब 15 ड्रेस तू वेस्ट करने वाली है 15,000 रुपया कपड़े सिलवाई और उस अबे पागल ढीला दो दो इंच रखी है ना इतना ढीला रख सकती है अंदर कपड़ा भी और वैसे भी ढीला सिला इतना कपड़ा रखने का ना अंदर जी टेलर होने का खुद तो फायदा उठाएगी ना उदापी इसलिए टैलेंटेड है वो और मशीन भी लेके जाना अपनी सिलाई की मशीन दूल्हे की अम्मी आ गए हैं दूल्हा का आंटी दूल्हा आ रहा है पिक्चर हाँ भाईजान आ रहे हैं गाइस बस थोड़ी देर और आप थोड़ी देर और सबर करो बस दूल्हा आ ही रहा है तो आपसे मिलाते हैं उनको आप लोग बहुत मैसेज कर रहे थे कमेंट कर रहे थे कि यानी उदापी सास बहुत प्यारी है गाइस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारे है और बहुत फ्री है हर चीज में हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना फ्री है हर चीज में हम लोगों को मतलब कोई कोई ऐसा रहता है ना रोक टोक बहुत करते हैं ये नहीं वो नहीं वो नहीं तो जो दूल्हे की अम्मी है वो ऐसा कुछ भी नहीं एकदम फ्री ओपन माइंडेड है तो हम लोग को कुछ बोलते नहीं है और उनको भी अच्छा लगता है हर चीज में तो फिर हम लोग को भी बहुत ज्यादा खुशी होती है उससे तो बस दूल्हे का वेट करते हैं और मिलाते हैं आप सबसे सो गाइज अभी दूल्हे की अम्मी को
कुछ दिखाया हम लोग ने, तो ये वो है। तो आंटी कल भाईजान को हम लोग रात में बुलाए थे, वो यही दिखाने के लिए बुलाए थे, सरप्राइज जो था। तो आंटी का भी रिएक्शन, आंटी आपको कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह। और शुएब, और शुएब के साथ और भी कोई आया है, लेकिन आप लोगों को थोड़े टाइम में मिलाता हूँ कौन आया है। सो गाइज, अभी हम लोगों को थोड़ा बहुत काम था तो हम लोग बाहर चले गए थे, लेकिन वापस आ गए हैं। तो वापस आके देखे कि यहाँ दूल्हे की बहन शफीका बैठी हुई है, यानी जीजू की बहन। तो दूल्हा है किधर, मतलब भाईजान है किधर? नीचे उतर रहे है गाइज, बस आप लोग दिल थाम के बैठिए और धमाकेदार एंट्री करते हैं। स्टार्ट आने ही वाले हैं तो बस हम लोग रेडी है। दिशान देख ले किस साइड घुमाने का, नहीं तो ये हमेशा पचका कर देते हैं। अमन भाई की सदमे में आ गए, आ गए, आ गए, आ गए। ये अमन दरवाजा खोल, खोलू? हाँ खोलो। 3 4 हमारे जीजू भाईजान और हमारे उदामी की जान। अरे तुम लोग साफ, मैं बोला ये वेस्ट हो जाएगा, ये इधर रह गया था इतना पे, क्या करते हो? बस ये सब साफ हाइफा करेगी, क्योंकि हाइफा कुछ सरप्राइज देने वाली है जीजू को, इस वजह से आप लोग हाइफा के चैनल पे आके देख सकते हो। हाँ तो गाइज, ये हमारे जीजू, इनसे कुछ सवालात करते हैं, रुक जाओ अभी, पहले आराम से बैठ जाते हम लोग। आओ। सो गाइज, जीजू को आपने देख तो लिए हो, अभी हुदापी को बुलाते हैं। हुदापी को बुलाने से पहले पहले मैं एक राय लेना चाहता हूँ, बाद में देखते हुदापी मनवा पाती है कि नहीं, ठीक है? तो मैं ये पूछूंगा भाई, लोगों के कमेंट आएंगे अब कि मुझे दूल्हे का डांस देखना है, तो तुम डांस करोगे? ऑब्वियसली करोगे या नहीं? देखते नहीं। देखते मतलब अभी तो कंफ्यूज हो, नहीं करोगे? देखते के आगे नहीं भी बोले भाई, थोड़ा शर्माहट वाला माहौल चल रहा है। रुको, हुदापी मनवाएगी, हुदापी मनवाएगी, हुदापी मनवाएगी। आ हुदापी, तू ये मेरे को ये समझ में नहीं, ये दरवाजे पे कुछ लगा है लोल चुंबक जो इसको घसीट के लेकर आना पड़ता है? चला ओ तो गाइस, दूल्हा और दुल्हन को बिठा दिए साथ में, अभी चलो पूछ लेते उदापी, पूछ डांस करेंगे कि नहीं करेंगे। बस एक नजर ही काफी है गाइस, हाय कर दिया, लेकिन ये चीज तो जीजू ने कंफर्मेशन दे दिया कि करेंगे, लेकिन अगर ये वीडियो पर 2000 कमेंट होंगे तो ही हम लोग डांस करवाएंगे जीजू से, वरना फिर मुश्किल है, क्योंकि दूल्हे का डांस, वो भी हुदापी के दूल्हे का डांस आपको देखना है तो 2000 कमेंट कर देगा। तो गाइस बस ये है कि आप लोग 2000 कमेंट कर दो कैसा भी, गाइस टेंशन मत लो, आप लोग की हेल्प करूंगा मैं, 200-300 तो कर ही लूंगा, ठीक है? तो अभी दूल्हे से ना एक और चीज पूछते हैं हम लोग, हम लोग ये पूछना चाहते हैं, अपनी तारीफ भी तो जरूरी है, चलो बुराई भी हो सकती है, वही वही, तारीफ नहीं तो बुराई कर दो, भले हम लोग के बारे में कुछ तो बोलो, है ना? तो जीजू भाईजान क्या करते हैं कि आके बैठ जाते, लेकिन हम लोग के बारे में कुछ बात नहीं करते, तो बहुत शर्मीले शाय टाइप हो गए, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के बारे में एक एक लफ्ज बोले सबके घर वाले लोग के बारे में। पहले मम्मी, मम्मी मम्मी तो बहुत अच्छे, वो एकदम जैसे बात करेंगे तो उनके चेहरे पे खुशी भी आती है, और वो जैसा मेरे को बोलते है हैंडसम, गाइस हैंडसम लगता है, हैंडसम देख रहे हो? मम्मी बताते हैं हैंडसम, उनका तो मतलब जब भी बात करते तो खुश रहते हैं, मतलब मम्मी का नेचर बहुत अच्छा है, एकदम ही ज्यादा। सुन ले तारीफ, आप मम्मी चुपके से सुन रहे हैं क्या? हाँ सुनना था मम्मी, ठीक है? तो नेक्स्ट नेक्स्ट हाइफा, आईफा तो बहुत एकदम लाइक मस्ती को चुटकुली, एकदम जीजू ये जीजू वो, एकदम ऐसा ओपन माइंड, कुछ भी हो इसको आराम से बोल सकते, कुछ भी बोलेंगे तो सब समझती भी है, और एकदम कैजुअली लेती है, एकदम ज्यादा बुरा भी नहीं, अगर कुछ बोलेंगे भी तो भी बुरा नहीं मानेगी, ऐसा है। अरे ले आईफा, ले तारे, ले तेरे तो सब गिले शिकवे दूर हो गए, किसी ने तो समझदार बोला है। शुएब देख रहा है हर चीज में, देखो वो शुएब को तूने कुछ बोली थी ना कोई सी, तो वीडियो में वो बदला लेगा, अच्छा 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 छोटे हो गए, तो नेक्स्ट अक्षत के बारे में, अक्षत के बारे में
सर ज्यादा बात तो नहीं हुई कभी ज्यादा, पर दिखने से तो वो ऐसा लगता है एकदम सेंसिबल हमारी बहनों से पूछो सुलझा हुआ है वो काम वाली है वो उसकी सास सब उसको सास बोल दे तो उसको सुलझा हुआ बोल दे ठीक है नेक्स्ट मुस्तजाब ये तो ये देखता है ना भाई जानते ना वीडियो कॉल पे बात करता है ना ऐसे बुलाते रहता है गुस्सा दिखाता है ऐसे हाँ ऐसे बुलाता है वो तो अभी नेक्स्ट हाँ चलो मेरे बारे में भी बोल दो मेरे बारे में क्या बोले ये तारीफ कम गुलाब खत्म हो जाएगी ये सुनना चाहता है तू एकदम कम है और ऑब्वियसली सब जानते हैं उसको मेरा बोलना तो मतलब बहुत कम हो जाएगा पर हाँ जो भी है इसने बहुत कुछ किया है और एकदम इसके मतलब इसके लिए वर्ड्स नहीं है मेरे पास इमोशनल बहुत ज्यादा ही मतलब जहाँ पर जरूरत थी हमेशा देखा तो इसने ही अभी सबको आगे लेके आया है सब किया है तो मेरे भी उससे ज्यादा कभी हुआ नहीं है कैमरा मैन जल्दी फोकस करो आंसू आ गए मेरे पास जल्दी फोकस करो आगे करने के लिए मतलब समझ लो स्पीचलेस लाइक बहुत ज्यादा ही एकदम बोल नहीं सकता मैं तारीफ भी करूँ तो गले लगा लो भाई लोग गले लगा लो यही मूवमेंट है मूवमेंट है मूवमेंट है बाकी सब दिशान दिशान के बारे में इसको तो मैं थोड़ा टाइम से पहले से जानता हूँ तो ये तो पहले से ही मतलब मस्ती एकदम फ्रेंडली हाँ ऐसा वैसा एकदम जैसा फ्री टाइम और बहुत ज्यादा भी बोलता है अश्वे वाला मन भाई जो बोला मैंने बोलो बोलो सबसे अच्छे ये दोनों भी मतलब ज्यादा उतना नहीं है हाँ, ठीक है जैसा जो भी बोले थे तुमने जो बोलने बोला वो नहीं बोले देगा वर्ड्स नहीं है मेरे पास ओह वर्ड्स भी नहीं है ऐसा इंस्टेंट भी नहीं आ रहा अच्छा ही है पर अच्छा ही है हाँ अच्छा ही है सो गाइस हम लोग ने तारीफ सुन ली बहुत ज्यादा अच्छा लगा बात करके ऐसे तो हम लोग इतना कन्वर्सेशन हम लोग का होता नहीं है लेकिन जब होता है तो बहुत अच्छा लगता है तो अभी मैं चाहता हूँ बस यही आगे भी ऐसी ही रहे कि जो भी कुछ भी है तुम्हारे मन में रहे या हमारे मन में रहे सब कुछ मतलब ऐसा रहे सब एकदम ट्रांसपेरेंट रहे क्लियर रहे जो भी कुछ भी बात रहेगी तुम बोल सको मेरे को एकदम बेझिझक कोई भी चीज मेरे से शेयर कर सको एक छोटे भाई मेरे को छोटा भाई समझ के एक हर चीज बता दिया मैंने और मैं उदापी के बारे में ही उदापी बैठी भी आराम से उदापी के बारे में तो कुछ बोलो पीछे से म्यूजिक डालू अच्छा इजाजत ली जा रही है इतना बोल के खत्म हो गया अभी थोड़ा और जनरेट करना पड़ेगा शक्ति नहीं बचे वाह 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 थोड़ा टाइम के बाद फिर वापस नए डेवलप करेंगे फिर नया बोल सकते तो अभी हम लोग ने तो सुने नहीं है कुछ बोल सकते हम लोग के सामने तो बोल दो और क्या शर्म आ रही तो इस ओके वही तो हो रहा है ना लिख के बोल दो इसके बारे में उसके बारे में क्या ही बोल रहे हैं अगर आपने इस पे 2000 कमेंट नहीं किए तो मैं खुद ही करने लग जाऊंगा इतने के लिए तो गाइस इतना तो बनता है पहली बार मैंने मतलब अपने जीजू को ऐसा इतना फ्री बात करते हुए देखा हूँ और घुटने में बैठना इज जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ देखो कुछ बोलने का इतना कुछ किया घुटने पे बैठ गया लड़की खाली शर्माती है कुछ बोल दे इतना मजाकिया हो चुकी मैं नहीं मारा
तो गाइस कैसा लगा आप लोगों को ये ब्लॉग कमेंट करके बताना। और हाँ एक और चीज आप लोगों को बताना है कि कल से जो ब्लॉग आएगा बिलाल लोग का 8:30 आएगा 8:35 को, और हाइफा का ब्लॉग आएगा 9:00 के, हाँ आलतू फालतू का ब्लॉग आएगा 8:35 को, और हाइफा ब्लॉग आएगा 9:05 पे। तो गाइस ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, करते हैं वर्क इसीलिए लोग हमें कहते हैं, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना, हिट द बेल आइकन।